Hello students, and welcome back to the lecture number 2 of part genetics. So today we will be talking about Mendel's law of inheritance. So in the previous lecture, I've already mentioned about the geneticist Gregor Johann Mendel, who was the father of genetics. Now this is the year when he was active from where to where. Okay, so this love for the genetics, this love for the subject, where it came from? It came from his father. ठीक है, तो उसके फादर ऑलरेडी नेचर में बहुत इंटरेस्टेड थे, जिसकी वजह से उनके अंदर भी ये पूरा जो है आपका लिविंग बींग्स को पढ़ने का, अंडरस्टैंड करने का इंटरेस्ट उनके अंदर आया. देन ही वेंट टू अ मॉनेस्ट्री एंड फर्दर ही टुक अप अ जॉब ऑफ अ टीचर ऑल्सो. ठीक है, उसके बाद फाइनली इन द ईयर 1865 उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट प्रिपेयर करी, जो कि उन्होंने किससे बनाई थी, जब उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे. ठीक है, तो उसके ऊपर उस बेसिस, उस डेटा के बेसिस पे उन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करी, जो उन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस इनके आगे प्रेजेंट करा अपना डेटा इन द ईयर 1865. बट टू द सरप्राइज दैट डेटा वाज रिजेक्टेड. उस सोसाइटी ने उस डेटा को रिजेक्ट कर दिया, एंड रिजेक्शन के भी कुछ यू नो रीजंस हैं जो आपको स्टेट करने हैं. फर्स्ट रीजन वॉज उनका जो वर्क जो उन्होंने पब्लिश कराया, इट वॉज इन अ वेरी ऑब्स्क्योर काइंड ऑफ अ जर्नल. राइट, सेकेंड पॉइंट वॉज उस टाइम पे साइंटिस्ट जो थे वो ऑलरेडी डार्विन की जो थ्योरी है ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज उसकी कॉन्ट्रोवर्सी में बहुत बिजी थे, तो वो मेंडल की थ्योरी पे इतना फोकस नहीं कर पाए. एंड लास्टली जिस पीरियड पे उन्होंने ये वर्क को दिया, आई मीन 1865 में उन्होंने इस डेटा को दे दिया था, सो इट वॉज फार अहेड ऑफ द टाइम. मतलब उस टाइम पे ऐसी कोई रिसर्च किसी ने सोची, किसी ने करी ही नहीं थी. तो ही वॉज फार अहेड, यू नो, वेन ही फाउंडेड दिस काइंड ऑफ अ यू कैन से एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट. बट वॉट हैपन्ड वॉज आफ्टर 34 ईयर्स ऑफ हिज रिसर्च, उनके पब्लिश करने के 34 ईयर्स के बाद, दैट इज इन द ईयर 1900, दीज थ्री पीपल कार्ल कोरेंस, हुगो डी व्रीज एंड एरिश वॉन शेकमार्क, सो दीज थ्री मेजर you know, yeah. So these three people made a very big contribution in bringing, in rediscovering Mendel's result of the experiment into light. और इसी के बाद हमने जो उनका डेटा था उसको revisit किया, and we saw कि उनका डेटा जो उन्होंने already 34 years back ही दे दिया था वो कितना relevant था and वो कितना सही था, तो उसको rediscover किया गया. ठीक है, अब एक question जो exam में बहुत commonly पूछा भी जाता है कि जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए वो उन्होंने पी प्लांट पे किए. ठीक है, तो वो पी प्लांट पे ही क्यों उन्होंने चूज किया, व्हाई ओनली पी प्लांट, व्हाई यू नो कोई और उन्होंने नहीं चूज किया? सो उसका रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल पी प्लांट के फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं. ठीक है, सेकेंड पी प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग. नेक्स्ट इट हैज अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक वेट करने की जरूरत नहीं है टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. देन It is available in many pure breeding varieties with alternative form of traits. तो वो आपको बहुत सारी true breeding varieties के अंदर मिल जाता है जिसमें contrasting traits होते हैं. Next is it produces many offsprings. तो आपको बहुत सारे offsprings मिल जाते हैं जिसपे आप easily experiment कर सकते हो और आपको availability का issue नहीं आएगा. And this is very obvious, they can easily be raised. Pea plant को आप बहुत easily raise कर सकते हो. Okay. So now here, as you can see, I have made a very comparative study. जो भी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पी प्लांट लिया था, जैसे मैंने आपको बताया, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो उसका साइंटिफिक नाम है गार्डन पी का, दैट इज पाइसम सेटाइवम. एंड क्योंकि मैं इसे हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो हैंड रिटन करते हैं तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली. एंड यू कैन सी फर्स्ट जो पाइसम का पी है वो कैपिटल होगा, सेटाइवम का एस छोटा होगा, और इस तरह के नॉमेनक्लेचर को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने गार्डन पी यूज किया था और क्यों यूज किया था, उसके आपको मैंने फीचर्स बताए हैं. सो गार्डन पी में उनको ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिले. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो. जैसे मैं बात करूं सबसे ईजी स्टेम लेंथ, तो लेंथ लंबी है या छोटी है ये आप इजिली विजुअलाइज करके बता सकते हो, इसीलिए हम इसको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं. ठीक है, तो उन्होंने जो यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स लिए थे, जैसे आपका सीड फॉर्म, जो सीड है उसका फॉर्म क्या है, वो राउंड है या वो रिंकल्ड है. तो अब ये देखो ये कैरेक्टर के आगे मैंने लिखा है डॉम विथ स्टेट्स डोमिनेंट
एंड दिस REC स्टैंड्स फॉर रिसेसिव, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है। वैसे आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखा है तो उसमें आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का डिफरेंस दिया हुआ है, बट स्टिल डोमिनेंट कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कैरेक्टर, जो अपने आप को दूसरे के प्रेजेंस में भी शो करे और उसका इफेक्ट मास्क ना हो। ठीक है, तो कैरेक्टर्स के नाम क्या है, सीड फॉर्म, सीड कलर विच इज येलो एंड ग्रीन, येलो बींग द डोमिनेंट वन, फ्लावर कलर विच इज पर्पल एंड व्हाइट, पर्पल बींग द डोमिनेंट, व्हाइट बींग द रिसेसिव, देन योर पॉड शेप, जो आपका पॉड है उसकी शेप कैसे हो सकती है, या तो इन्फ्लेटेड हो सकता है वो या फिर वो कंस्ट्रिक्टेड सा हो सकता है। ठीक है, देन योर पॉड कलर, पॉड कलर कुड बी ग्रीन येलो, डू रिमेम्बर पॉड कलर के केस में जो आपका डोमिनेंट है वो ग्रीन होता है, जबकि जब हम सीड कलर की बात करते हैं तो हमारा डोमिनेंट येलो होता है। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। नाउ स्टेम लेंथ विच इज टॉल एंड ड्वार्फ, पोजिशन ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो फ्लावर्स है उसकी क्या पोजिशन है, या तो वो एक्सिलरी हो सकता है लाइक समवेयर इन द अपर पार्ट, या फिर वो टर्मिनल हो सकता है विच इज समवेयर एट द डाउन पार्ट। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं आप इसको यू नो इजिली मेमोराइज कर सकते हैं विद द या सो। अब इधर आप देखेंगे मैंने आपको थोड़ा क्रॉस के बारे में डिटेल दिया है। सो पहले मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट बता देती हूँ। जब हम इन सेवन पेयर जो कैरेक्टर्स हैं उसमें से हम कोई भी एक कैरेक्टर उठाते हैं और उसका क्रॉस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिया है स्टेम लेंथ को। ठीक है, तो जब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो एक कैरेक्टर को हम एज अ मेल एज और दूसरे कैरेक्टर को एज अ फीमेल कैरेक्टर हम ले लेते हैं। ठीक है, और उस जनरेशन को जो मेरी ये जनरेशन है इसको हम पेरेंट जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं, क्योंकि यहां से हमारा क्रॉस शुरू होगा, यहां से हमारे पास आगे प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे। ठीक है, तो ये मेरी जो फर्स्ट है इसको हम पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं, राइट। फिर बाकी मेरे वीडियो में आप देखेंगे मैंने जीनोटाइप और फिनोटाइप को एक्सप्लेन किया है, आप उस को रेफर कर सकते हैं। देन सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, टॉल एंड ड्वार्फ को हमने क्रॉस कराया। अब टॉल के लिए जो हमारा जीनोटाइप होता है वो होता है कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए होता है स्मॉल टी। और जब इसके गेमीट्स बनेंगे, जब सेग्रीगेट होगा, गेमीट फॉर्मेशन होगी, तो यू विल सी वन टी फ्रॉम हियर एंड वन स्मॉल टी फ्रॉम हियर, एंड जब इनका क्रॉस होगा तो यू विल गेट स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। ठीक है, बट वो डिनोट क्या करेगा, क्योंकि हमारा डोमिनेंट जो जीन है वो है हमारा कैपिटल टी, जो कि डिनोट करता है टॉलनेस को, इसीलिए डोमिनेंट क्या करेगा अपने कैरेक्टर को ज्यादा शो करेगा और रिसेसिव को मास्क कर देगा, इसी वजह से हमको जो रिजल्ट आउटपुट मिलेगा वो होगा टॉल। ठीक है, अब इसके आगे मैंने एक वर्ड लिखा है F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन क्या होता है, सो सी बेसिकली जब आप ये क्रॉस कराते हैं तो जो आपको पॉपुलेशन मिलती है, मतलब P1 जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस करा के जो आपको जनरेशन मिलती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिलियल का मतलब होता है प्रोजेनी, सो उस जनरेशन को हम बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, तो ये आपका आया फर्स्ट फिलियल जनरेशन। आगे जब हम इसी F1 जनरेशन को, ये देखो अब जो हमारा F1 जनरेशन में आया प्रोजेनी TT, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसी को जब मैं आगे जाके इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराती हूँ, उसी मैंने यहाँ पे TT और TT, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी F1 जनरेशन के ही जीन्स को सेल्फ फर्टिलाइज कराया है, तो इसमें जो मुझे आउटपुट मिलता है उसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन, यानी कि फिलियल 2 जनरेशन आपको यहाँ पे मिलती है, और यू कैन से सेकेंड फिलियल जनरेशन मुझको मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह से मेंडल ने अपने क्रॉसेस बनाए थे। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो सी जब हमने सेकेंड फीलियल जनरेशन को निकाला, सो व्हाट वी डिड, टी यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसकी गेमीट फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे ये गेमीट्स मेरे बन रहे हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे मेरे गेमीट्स बने तो यू कैन सी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी है वो आपका डिनोट कर रहा है टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, बट बोथ टी स्मॉल, जब दोनों टी जो आपके स्मॉल में होंगे तो वो क्या डिनोट करेंगे, वो डिनोट करेंगे ड्वार्फ को। इसी वजह से जो मेरा F2 जनरेशन में आता है, ये आपका जो आता है, जो जीनोटाइप और फिनोटाइप आता है, तो जब आप जीनोटाइप की बात करो यानी कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो आप देखो
टी 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 ये आपका सेपरेट है, ये हो गया वन बिकॉज यहाँ पे आपका टी टी आ रहा है, ठीक है, तो इसको हमने काउंट किया एज वन। अब ये मेरा जो है रेशियो, और यहाँ पे आप देखो ये टी टी दो बार है, तो वन रेशियो टू रेशियो, और जो स्मॉल टी है वो एक बार है। तो जो जेनेटिक मेरा इसका आपका आता है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंस या फिर जीनोटाइप आता है वो होता है वन इज टू टी टू इज टू वन, राइट। जबकि जब मैं फिनोटाइप की बात करूं, फिजिकल अपेयरेंस की बात करूं, तो मुझे तीनों टॉल मिले चाहे, क्योंकि यहाँ पे तो डोमिनेंट ने रिसेसिव को मास्क कर लिया, तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, दिखेगा तो मुझको टॉल ही, बस एक मुझे डॉर्फ दिखेगा। तो इसीलिए मेरा फिनोटाइप क्या आता है, थ्री टॉल वर्सेस वन डॉर्फ, थ्री इज टू वन। इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसका जीनोटाइप होता है वन इज टू टू इज टू वन एंड फिनोटाइपिक रेशियो होता है थ्री इज टू वन। तो आपको इस तरह से क्रॉस बना के अपने एग्जाम में पोर्ट्रे करना पड़ेगा इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो आई होप यू आर क्लियर विद व्हाट इज F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन एंड व्हाट इज F2 जनरेशन, ठीक है। एक बार मैं फिर पूरा रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस होते हैं हमारे पेरेंट, आपके जो जीन्स क्रॉस होंगे उनसे आपको फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिलेगी, जो आपकी फिलियल मतलब प्रोजिनी जनरेशन है। और जब दोनों जो प्रोजिनी आया उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करी तो हमको सेकेंड फीलियल जनरेशन मिलेगी, जिसका जीनोटिपिक रेशियो इज वन इज टू टू इज टू वन, फिनोटिपिक रेशियो इज थ्री इज टू वन। सो आई होप टिल हियर इट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट वील बी डीलिंग विद मेंडल्स लॉ। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।